सनातन संस्कृति में देवों के देव महादेव की महिमा अपरंपार है। देश ही नहीं दुनिया भर में आस्थावान शिव भक्ति को समर्पित रहते हैं। हमारे देश में भगवान शिव के कई भव्य और अलौकिक मंदिर मौजूद हैं। महादेव का एक मंदिर इंडोनेशिया में भी स्थित है। 10वीं शताब्दी में निर्मित भगवान महादेव का यह मंदिर प्रम्बानन मंदिर के नाम से विश्व विख्यात है। आइए विस्तार से जानते हैं इस अद्भुत मंदिर के बारे में। इंडोनेशिया में लगभग एक सदी तक बौद्ध धर्म को मानने वाले राजाओं का राज रहा, जिनमें शैलेंद्र राजवंश प्रमुख थे। इसके बाद हिंदू धर्म का राज आया, वह संजय राजवंश के रकाई पिकाटन राजा बने। उन्होंने यहाँ हिंदू धर्म की पुनः स्थापना के उद्देश्य से इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, जो मुख्यतया भगवान शिव को समर्पित था। मंदिर का निर्माण 850 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो 856 ईस्वी में पूरा हो गया था। इसके बाद संजय राजवंश के अन्य राजाओं ने इस मंदिर को विस्तार दिया, जिनमें राजा लोकपाला व बलितुंग महाशंभु प्रमुख थे। ये मंदिर छोटे बड़े मंदिरों को मिलाकर कुल 240 मंदिरों का समूह है, जिनमें से अधिकांश नष्ट हो चुके हैं, किंतु 3 मुख्य मंदिर जो कि त्रिदेव को समर्पित हैं, वे आज भी पुनरुद्धार के बाद जीवंत अवस्था में हैं। इन 3 मंदिरों में एक भगवान ब्रह्मा का, एक भगवान विष्णु का और एक भगवान शिव का है। तभी भगवानों की मूर्तियों के मुंह पूर्व दिशा की ओर है। प्रत्येक मुख्य मंदिर के सामने पश्चिम दिशा में उससे संबंधित एक मंदिर है। ये मंदिर भगवानों के वाहनों को समर्पित है। भगवान ब्रह्मा के सामने हंस, भगवान विष्णु के लिए गरुड़ और भगवान शिव के लिए नंदी का मंदिर बना हुआ है। इनके अलावा परिसर में और भी कई मंदिर बने हुए हैं। मंदिर में भगवान महादेव के साथ एक देवी की भी मूर्ति मौजूद है। इस मूर्ति को देवी दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। देवी दुर्गा को लेकर यहाँ पर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के कारण प्रम्बानन मंदिर हिंदुओं के साथ साथ वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।